लेकर सीपीसी सीआरपीसी फॉरेन एडवोकेट के खिलाफ जो जंग लड़ी, और जंग किसने लड़ी? ये सारे हिंदुस्तान ने लड़ी। सबसे बड़ा इसके अंदर हिस्सा दिल्ली में किसका था? दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, जो यहाँ एनसीआर के एसोसिएशन के लोग रहते हैं। दूर दूर से बातें हो रही है, तमिलनाडु के अंदर भी एसोसिएशन चल रहा है, हर स्टेट के अंदर। आज तक हमने हिंदुस्तान को, हमने किसी सरकार को मांगा नहीं। हिंदुस्तान की आजादी वकीलों ने दिलाई, इसके बावजूद भी हमने आज तक किसी सरकार से मांगा नहीं। सरकार जब व्यापार के लोग कहते हैं जीएसटी कम कर दो, जीएसटी कम कर देती है सरकार, दूसरों इंश्योरेंस कम कर देती है, लेकिन वकीलों के लिए जिनको ऑफिसर और कोर्ट का इन्होंने ओहदा दिया हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, एडवोकेट के अंदर, आज तक कुछ नहीं किया। बहुत शर्म की बात है, कोई भी सरकार रही हो सब तो शर्म की बात है। ये पहली बार आपकी आवाज है, ये पहली बार आपकी आवाज से सरकार जागेगी, कोई सरकार हो, ए बी सी, आज जागना पड़ेगा। हम सरकार बना सकते हैं, सरकार गिरा भी सकते हैं। दोस्तों आज ये एजिटेशन शुरू हुआ है, वकील जो है आप जानते हो, ये एजिटेशन आप सबका अपना है, और ये एजिटेशन आज शुरुआत है। ये चेतावनी है हम सरकार को, चाहे यहां हो, चाहे वहां हो, चाहे आने वाली हो, हर सरकार चेतावनी है, चाहे वो राज्य सरकार की हो, चाहे भारत सरकार की हो, कि आज उनको वकीलों की आवाज माननी पड़ेगी। वकीलों की जो डिमांड, डिमांड नहीं है, ये हमारा हक है, हक देना पड़ेगा बिल्कुल जाके। और ये इस हक को वकील पहले आज मांग कर रहे हैं, आज आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, छीनना भी जानते हैं, छीनना भी जानते हैं हम लोग। दोस्तों आज आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत लोग बैठे हैं आज, हमारे आज हमारे आज हमारे आज हमारे बाहर के लोग बहुत आए हैं। मैं सभी से कोशिश करूंगा, सभी प्रधान सचिव बाहर से आए हैं, इज्जत से उनको यहाँ बुलाए, उनकी वजह से आज हम हैं, आज उनकी, आज वकील समुदाय अचानक हिंदुस्तान में इकट्ठा है, चाहे वकील दिल्ली का हो, तमिलनाडु का हो, कहीं का वकील हो, हरियाणा पंजाब का हो, हम सब इकट्ठे हैं। तो एक बार नारा लगाएंगे सब इकट्ठे मिलकर बहुत जोर से, वकील एकता। आगे भी एजुकेशन तैयार रहे, अगला प्रोग्राम देंगे हमारे मनन साहब देंगे, मनन साहब हमारे पाक इंडिया चेयरमैन है, उनका कह दिया है कि आज के बाद ये प्रोग्राम चलेगा, इसका एंड नहीं होना चाहिए, आज शुरुआत है, चलेगा।